दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है तीन ग्रहों की युति की सीरीज में। ये इस सीरीज का 19वां वीडियो है और आज हम जिन तीन ग्रहों की चर्चा करने जा रहे हैं वो तीन ग्रह हैं चंद्रमा, मंगल और शनि। जैसा कि अगर इन तीन ग्रहों के नाम से ही कुछ जानकारी हासिल करनी हो या कुछ अनुमान लगाना हो तो साफ जाहिर है कि मंगल और शनि दोनों ही इस तरह के ग्रह हैं जिनका कॉम्बिनेशन सुफल नहीं देती है। साथ में अगर चंद्रमा हो जाए तो चंद्रमा शनि से मेलाफिशेस हो जाता है और कुल मिलाकर के ऐसे तीन ग्रहों की जिसमें चंद्रमा, मंगल और शनि शामिल हो तो उसका जो फल कथन है वो भी शुभ हो ही नहीं पाएगा, शुभ होगा ही नहीं। चलिए हम फिर भी चर्चा करते हैं कि अगर किसी जातक या किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, मंगल और शनि अगर ये तीनों एक साथ विराजमान हों तो उस सूरत में उसका प्रेडिक्शन क्या होगा, उसका फल कथन क्या होगा, या यूँ कहिएगा कि ये तीनों प्लैनेट्स अगर एक साथ एक राशि में विचरण कर रहे हों तो अपना क्या रिजल्ट देंगे। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये तीनों ग्रह एक साथ होंगे, चंद्रमा, मंगल और शनि, उस व्यक्ति की माता बाल्य काल में ही, जब वो बच्चा अवस्था में होगा जातक, यानी बाल्य अवस्था में होगा वो जातक, तब ही उसकी माता की मृत्यु हो जाएगी, यानी उसे माँ का सुख नहीं मिलता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, मंगल और शनि की युति होगी उस व्यक्ति को मातृ सुख से वंचित रहना होगा, यानी उसकी बाल्यावस्था में ही उसकी माता की मृत्यु हो जाएगी और वो माँ के सुख से हीन रहेगा, माँ के सुख से विहीन रहेगा। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही छोटे दिल का होता है, जिसको हम क्षुद्र स्वभाव बोलते हैं, यानी बड़े दिल का वो जातक नहीं हो सकता है, बड़े दिल का वो व्यक्ति नहीं हो सकता, हमेशा ही क्षुद्र स्वभाव का होगा, छोटा विचार रखने वाला होगा, छोटी सोच वाला व्यक्ति होगा, उसका दिल और दिमाग दोनों ही छोटे होंगे और व्यवहार और आचरण में कुटिल प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। कुटिलता उसमें कूट कूट कर भरी होगी, वो पग पग पर, जगह जगह पर अपनी कुटिलता का परिचय देगा। कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति कुटिल व्यक्ति कहलाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को कलह हमेशा पसंद आती है, लड़ाई झगड़े हमेशा पसंद आते हैं। वो जहाँ कहीं भी कोई बात होगी, जहाँ कहीं भी कोई व्यवहार या आचरण की बात होगी, वो वहाँ लड़ाई झगड़ा करने में उतारू रहेगा, पहल करेगा लड़ाई झगड़े में, यानी वो कलह प्रेमी होगा, कलह को पसंद करने वाला व्यक्ति होगा। और आम लोगों में वो द्वेषता का भाव रखने वाला होगा। जो आम लोग होंगे जिनके साथ भी उसका व्यवहार रहेगा, वो उनके साथ में द्वेषता का भाव रखने वाला व्यक्ति होगा और लगभग जीवन पर्यंत वो दुखी रहेगा, या यूँ कह सकते हैं कि वो हमेशा दुखी ही रहेगा, दुख का अनुभव करने वाला व्यक्ति होगा। उसको हर बात में दुखी ही लगेगी, हर बात उसको दुख वाली बात लगेगी, यानी जीवन पर्यंत दुखी रहने वाला व्यक्ति होगा। तो दोस्तों, ये था चंद्रमा, मंगल और शनि की युति का फल। सारांश में या संक्षेप में अगर कहने की बात हो तो यूँ कहा जा सकता है कि चंद्रमा और मंगल की युति वाला व्यक्ति जब जन्म काल में ये स्थितियाँ बनती है उसकी कुंडली में, तो उसको अपने बाल्यावस्था में ही माँ के सुख से वंचित रहना पड़ता है, या यूँ कहिएगा कि उसको अपनी माँ की मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति दिल और दिमाग से शुद्ध विचार वाला होता है, छोटे दिल और दिमाग का होता है, व्यवहार और आचरण से कुटिलता लिए हुए होता है, कुटिल व्यक्ति होता है। लोग मामले में, आम लोगों के बीच में द्वेषता का भाव रखने वाला होता है, कलह को पसंद करने वाला होता है और प्राय दुखी रहता है। तो दोस्तों, ये था चंद्रमा, मंगल और शनि की युति का फल कथन। अगले वीडियो में हम लोग फिर किन्हीं तीन ग्रहों को लेकर के चर्चा करेंगे कि अगर वो तीन ग्रह किसी भी व्यक्ति या जातक की कुंडली में एक भाव में ही स्थित हों तो, यानी उन तीन ग्रहों की युति हो, तो फिर क्या फल कथन होगा, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।